तो चलिए दोस्तों अब घूम के आते हैं बांदीकुई में। राजस्थान का सबसे प्राचीन चर्च है, आप चल के घूम के आते हैं। ऐसे ही पड़ा है खंडर अभी। इस चर्च के निर्माण में सन 1870 के दशक में ब्रिटिश सरकार के वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये 140 साल पुराना चर्च है और ये अभी विवादित चर्च में से एक है। इस चर्च की जो भूमि है ये 10 बीघा के आसपास की है और ये चर्च अभी खंडर है। इसके अंदर आगे पूजा अर्चना नहीं किया जाती है, अभी वो एक खंडर है। और ये देख सकते हो इस तरीके का फोटो, और अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया हुआ चर्च है ये। दोस्तों सामने देख सकते हो आप, वो मेन हाईवे है दौसा से दिल्ली के लिए, 8 लेन जो चल रहा है। अभी ये एक होटल आया है, शिव होटल है बजरंग पैलेस, यहाँ पर मैं आज नाइट स्टे करने वाला हूँ। मैं दौसा से लगभग 10 किलोमीटर पहले रुका हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा कपड़े वॉश करते हैं। और भैया ने परमिशन दे दी है कि आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हो। धन्यवाद भैया जी आपका। तो दोस्तों अभी खाना लग चुका है, खाने में देख सकते हो दाल सलाद और रोटी। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही शानदार आपने केयर की, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी की बात ऐसी है कि अभी मैं हूँ दौसा मेन कलेक्ट्रेट में, यहाँ पर अभी पीआरओ ऑफिस है, वहाँ पर आया हूँ सूचना के अंदर। जो सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ सर हैं, यहाँ पर रामलाल जी मीणा और बाकी काफ़ी पत्रकारों से मिले, जो हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ। यहाँ पर कलेक्टर है कमर उल जमान चौधरी जी, जिनसे मिलना हुआ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और फिलहाल SP तो यहाँ पर कोई मीटिंग में बिजी थे, नहीं मिलना हो पाया। अब यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ जयपुर के लिए, जो कि यहाँ से 55+ किलोमीटर है। तो कैसा रहता है? चलने में यार काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा मच्छर है, आँखें ही नहीं खुल रही, और देख सकते हो इतना जम गई है टी शर्ट पे, कहीं गई, हालत ख़राब कर दी पूरे मच्छरों ने। और एक रॉन्ग साइड से सामने आ रहे यार, एकदम पास में ला के फिर साइड में लेते हैं। इतना आराम कर दिया इस हाईवे पे, चलना क्या है। अब ये डबल लाइन चल रही है, वो तो ना फास्ट स्पीड चले गए, ये पटरी है। अब अपन पटरी पे नहीं चलाए तो क्या करें, और सामने वाला इस पटरी पटरी आता है, रॉन्ग साइड में चलने वाले यार हालत ख़राब कर देते हैं। चलो जैसे भी है, अभी तो कितना बचा यार, जयपुर एक बचा है, बाकी आगे का देखेंगे। मेन हाईवे के पास में मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर है पंचमुखी बालाजी का मंदिर है, यहाँ पर आज नाइट स्टे कर रहा हूँ। खाना हमने हो गया है और हमारे साथ है पुजारी जी। जय श्री राम पुजारी जी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पर रुकने का आश्रय दिया, और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, जटवाड़, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, पंचमुखी बालाजी। गुड मॉर्निंग जी, अभी मैं और पंडित जी और यहाँ पर चचा जी चाय पी रहे हैं बाहर। ये हाईवे है मेन हाईवे, सभी बसें हैं यहाँ के रुकती। हाँ, नेशनल NH21। अच्छा, और ये यहाँ से जयपुर कितना बच गए? और 30 किलोमीटर है। 30 है ना। दोस्तों मैं पंचमुखी मंदिर से निकल चुका हूँ यहाँ जटवाड़ा से जयपुर के लिए, जो कि 30 किलोमीटर दूरी है।
सर जी ने रोका कि चाय पी के जाओ। सर जी आपका नाम क्या बताया? हेमंत शर्मा। हेमंत जी शर्मा। इस तरफ देख सकते हो आप लीलन, और ये देखिए कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।